चैनल, आपको लग रहा होगा कि यार स्पेशली बैकग्राउंड देख के कि यार रितिका आज कहाँ आ गई है, तो बता दो कि मैं आई हूँ नोएडा मेरी दीदी के घर। जो मेरे ब्लॉग्स पहले से देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैं गुड़गांव में रहती हूँ और मेरी दीदी रहती है नोएडा में, तो मैं वहीं आई हूँ। कल रात में ही आ गई थी, आकार एक्चुअली गए हैं कानपुर कुछ काम से, तो वो मुझे यहाँ पे ड्रॉप करके गए थे, तो मैं बस एक दिन के लिए ही यहाँ आई हूँ। तो बस अभी थोड़ा बहुत रेडी हो गए क्योंकि मुझे निकलना है दी और जीजा जी और आदि के साथ घूमने। घूमने क्या, बस यहाँ पे पास में एक मॉल है, गौर सिटी मॉल, वहीं पे जाना है, थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग करनी है और फिर बस आ जाएंगे घर। तो फटाफट करती हूँ मैं आज के ब्लॉग का स्टार्ट, एंड आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग आ गए हैं गौर सिटी मॉल में और दी और जीजा जी अपने रास्ते चले गए और मैं और आदि अपने रास्ते। अभी मैं जा रही हूँ आदि को कहाँ छोड़ने, ऊपर। तो सबसे ऊपर हैमलेस है, वहाँ पे आदि को जाना है, इंजॉय करना है, और मुझे पता नहीं क्या ही करना है। मैं जाऊंगी आदि के साथ, आज मस्ती करूंगी बहुत दिनों बाद। और दीदी जिया जी तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहे, भगवान जाने वो दोनों कहाँ चले गए हैं लव बर्ड्स की तरह। ढूंढती हूँ, पहले उन्हें ढूंढूंगी और फिर देखते हैं क्या करते हैं, है ना दी। मम्मा डैडी कहाँ चले गए? वही तो, ऊपर भी थे तब भी नहीं दिखे, पता नहीं कहाँ चले गए। वैसे ना इस मॉल से मेरी ढेर सारी यादें जुड़ी है, क्योंकि शादी से पहले मैंने ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग यहाँ से ही की थी, चाहे वो मेकअप का हो चाहे कुछ भी हो। और अभी भी जब मैं आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन यहाँ से मैंने लैक्मे सलोन से अपना ब्राइडल मेकअप भी करवाया था, तो वो भी अभी मैं जाऊँगी ऊपर तो मैं दिखा दूँगी। काफ़ी अच्छा मेकअप उन्होंने किया था, बंगाली प्रॉपर बंगाली मेकअप। मुझे बहुत खांसी हो गई है, तो सो सॉरी गाइस। आदि बोलो को ओ ओ ओ ओ भाई ओ ओ, मतलब अभी जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ ना, आप लोग भी देख के हैरान हो जाने वाले। हाँ बरिस्ता, और यहाँ देखो क्या चल रहा है, मैं पीछे एक्टिंग कर रहा हूँ। हम लोग वहाँ पे ब्लॉग कर रहे हैं, इसको मैं उधर से घुमा फिरा रही हूँ, और ये देखो दोनों लव बर्ड्स यहाँ बैठ के। अरे हमें लगा तुम्हें टाइम लगे मॉल घूमने में, इसलिए हमने बैठे हैं। हम बैठ के आराम से थोड़ी देर बाद आते कॉफी पी लेते। ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया। क्या है भाई, हमें लगा तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, हम बैठ जाए रेस्ट करते हैं। हाँ बैठो बैठो। तो इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ने के बाद अब फाइनली मेरे लिए भी इन लोगों ने ऑर्डर कर दिया, तो ये रही मेरी कोल्ड कॉफी। और ये देखो शर्म नहीं आती, साली बेचारी इधर उधर घूम रही है, कभी कभी तो आती है साली, और देखो हंसी, देखो संभालो, मुझे बच्चा संभालने को दे दिया है। ये देखो नहीं, हमें लगा थोड़ा बैठ के बात करें, गर्मी बहुत हो रही थी। हाँ हाँ रेस्ट कर। अच्छा अच्छा, आप कॉफी पियो। ठीक है ठीक है। हम लोग जा रहे हैं मैक्स में, दी ऑलरेडी अंदर चली गई है, तो देखती हूँ मैं भी कुछ खरीदती हूँ, मेरा भी मन कर गया है मॉल देख कर यार कुछ खरीद लेते हैं। तो यहाँ आके मुझे ये वाली बेली काफ़ी अच्छी लग रही है, वो काफ़ी सुंदर लगी, थोड़ी यूनिक भी, इस तरह के मेरे पास है भी नहीं, और इस बैग के साथ ये काफ़ी अच्छी भी लग रही है। तो लेट्स सी, वैसे काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ है इस टाइम पे मैक्स में, तो मेरा तो मन काफ़ी कुछ चीज़ें लेने का कर रहा है फिलहाल, तो इस पर मेरी नज़र है। ये सब से बता कैसे। ये देखो यहाँ पे अभी 50% ऑफ भी चल रहा है वुमेंस के इस तरह के टॉप्स में, जो कि काफ़ी अच्छे भी लगते हैं, वाइट कलर में है और भी काफ़ी कलर है। ये देखो इसका एक ब्लैक भी है, बाकी इस तरह का भी है जो आप शॉर्ट्स के साथ पहन सकते हो, काफ़ी ट्रेंड में है इस तरह के, श्रग कह लो या फिर आप इसे ड्रेस के एज अ ड्रेस भी पहन सकते हो, शूज़ के साथ काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये सारे आपको मिल जाएंगे 50% ऑफ में, तो मैक्स में काफ़ी अच्छा रेंज आया हुआ है, आओ और चेकआउट ज़रूर करना। ये तो मैक्स से तो मैं निकल गई हूँ, और बता दूँ कि सिर्फ मैंने वो बेली ही ली है फिलहाल के लिए, क्योंकि मुझे दिखा कि यार पैंटलून में भी ऑफ चल रहा है, तो मुझे लगा सारा सब कुछ मैं एक जगह से नहीं लेती हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ पैंटलून में, देखती हूँ कि वहाँ पे जो अभी सेल चल रहा है उसमें क्या क्या अच्छा अच्छा है।
और खुद भी देखूंगी, ऑफ कोर्स आपको भी दिखाऊंगी। तो चलो चलते हैं पैंटालून। ये देखो 50% ऑफ है यहाँ पे पैंटालून में इस तरह के शॉर्ट कुर्तीज में, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं जीन्स के साथ, और कॉलेज और ऑफिसेज में भी आप पहन सकते हो। तो काफ़ी अच्छा है यहाँ का स्टॉक भी, और इसकी रेंज है 2099 है, बट हाँ इसमें 50% आपको ऑफ भी मिल जाएगा। तो इस तरह की शॉर्ट कुर्तीज यहाँ पे काफ़ी है जो कि आप ले सकते हो। के पैंटालून में सिर्फ लड़कियों के ड्रेसेस पर ही ऑफ है, तो यहाँ पे देखो इस तरह के कुर्ते आपको 599 की रेंज में आपको मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। वैसे भी अभी फेस्टिवल आ रहे हैं, तो इस तरह के कुर्ते लड़कों को पहनना काफ़ी अच्छा भी लगता है। शॉर्ट कुर्ते भी हैं जिनकी बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं होती, और थोड़ा लॉन्ग कुर्ते भी आपको 599 की रेंज में मिल जाएंगे यहाँ पे। बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन आए हैं। पैंटालून मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कम्पेयर टू मैक्स, क्योंकि पैंटालून में ना आपको 50% ऑफ मिल रहा है बीबा जैसे ब्रांड में भी, तो बहुत अच्छा। मुझे तो काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन लगे, पर हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ वो बेली ही ली है और कुछ ऐसा लिया नहीं है। बट अगर आपको चाहिए एथनिक वेयर और ये सब, तो आप पैंटालून आके आराम से सेल का मज़ा ले सकते हो, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। खैर अभी चलते हैं जीजा जी और आदि के पास, देखते हैं कि उन लोग क्या शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ आके देखा है कि आदि और आदि के पापा यहाँ पे डीकैथलॉन में बैठे हुए हैं। क्या खरीद रहे थे यहाँ पे? और तुम गए नहीं, हैमलेस कह रहे थे खोपड़ी। तो यहाँ से क्या लेने वाले हो? कुछ नहीं, साइकिल का अपने लिए तो मैंने ले लिया है। तो अब मुझे लग रहा है कि यार थोड़ा पति देव के लिए भी कुछ ले लेती हूँ, क्योंकि वो है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे भूल जाऊँ। तो डीकैथलॉन में आई हूँ, तो सोच रही हूँ कि वो जिम करते हैं, तो उनके लिए कुछ टी शर्ट्स और शॉर्ट्स ले लूँ। तो वही अभी मैं देख रही हूँ, अगर कुछ अच्छा लग गया तो ले लूँगी, खुश हो जाएगा बेचारा थोड़ा। तो वही अभी देख रही हूँ, दीदी भी देख रही है जीजा जी के लिए। हालाँकि जीजा जी और आदि अपनी शॉपिंग में लगे हुए हैं, और मैं और दीदी उन दोनों की शॉपिंग पे लगे हुए, देखो पीछे वो ढूंढ रही है कहाँ क्या है। ये वाला अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और ये वाला ट्राउजर, मतलब शॉर्ट्स, देखो अच्छा लगेगा उसको, अच्छा लगेगा। तो ये देखो, ये दोनों चीजें मैंने ली, और ये एक मोबाइल पाउच। अपने लिए भी तो लो कुछ। अपने लिए तो वो पहले ही लिया ना। अच्छा अच्छा ठीक है, पहले उसके लिए देखिए, और ये सरप्राइज रहेगा, जैसे ही वो आएगा तब देंगे। इतना सारा सब कुछ हम लोगों ने लिया है, सिर्फ ये मेरा है, दीदी का तो वो देखो वहाँ पे है, तो ये सिर्फ मेरा है। मैंने बस यहाँ से एक वो ब्लैक वाली टी शर्ट ली है, दैट्स इट, बाकी सारा सब कुछ आकार का ही है। तो बस अभी हम लोग हैं बिलिंग काउंटर पे, एक बार बिलिंग करवाते हैं, फिर बाहर यहाँ से निकलते हैं। तो बस खाना पीना डन, शॉपिंग डन, अब बस हम लोग जा रहे हैं घर। बट हाँ, एक चीज़ है जो मैं नीचे भूल गई हूँ, डीकैथलॉन और जो मैं मैक्स लेके आई थी, वो बैग मैंने रिलायंस स्मार्ट बाज़ार में ही छोड़ दिया। तो अभी पहले उसे पिक करूँगी और फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए। और यहाँ पे सब लोग हाँ, तो अभी बस 2 मिनट और, क्योंकि मैं भूल गई, मुझे ध्यान नहीं था। तो एक बार वो कलेक्ट करते हैं और फिर निकलेंगे घर। तो ये वो बैग था जो मैं भूल गई थी रिलायंस स्मार्ट बाजार में, तो इसे कलेक्ट कर लिया है, अब बस चलते हैं गाड़ी की तरफ। तो आ गए हम लोग घर दी जीजा जी आदि के साथ घूम के, आज मज़ा आ गया। बहुत दिन बाद ऐसा टाइम मिला कि हम लोग ऐसे घूमे हैं, शॉपिंग की है, मस्ती की है। और आज सच बताऊँ तो आज बहुत सारी मैंने भी शॉपिंग कर ली, आकार के लिए भी काफ़ी कुछ खरीदा। बस आई होप कि उसे अच्छा लगे, क्योंकि उसे चीज़ें अच्छा लगना बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब मैं खरीद के लाती हूँ, तो वो बहुत कम ही होता है कि उसे अच्छा लगता है। लेट्स सी। तो बस अभी आराम से दी के साथ चल करूँगी, बातें शाती करूँगी। बहुत लोगों को लगता है कि यार दोनों बहनें एक ही शहर में रहती हैं, तो बहुत आना जाना लगा रहता होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है।
मेरा भी बिल्कुल नोएडा नहीं आना होता और दी का तो गुड़गांव बिल्कुल ही जाना नहीं होता है। कुछ ओकेशन होता है तभी वो गुड़गांव जाती, कहती यार बहुत दूर है तुम्हारा घर, मैं नहीं जा रही। और मेरा आना इस वजह से होता है क्योंकि आकार के फ्रेंड्स नोएडा में रहते हैं तो हम लोग कभी कभी आ जाते हैं, अदरवाइज मेरा भी आना बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि ऑफिस रहता आकार का भी और मेरा भी। तो आज आकार को जाना था कानपुर, सो इस वजह से मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि उन्हें यहीं से जाना था। तो मैंने कहा कि यार मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर दो ताकि मैं एक दिन दी के साथ रह लूँ, तो इस वजह से मुझे ये यहाँ रहने का वो मौका मिल गया और बहुत अच्छा लगा। सच में आज का दिन बहुत अच्छा था। सो अब फिलहाल करती हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड, एंड आई होप कि आप सबको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो सो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए हो सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत जल्द मिलूंगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और दूसरों में ढेर सारी खुशियाँ बांटिए। बाय।